हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा हर्बल टिप्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको होममेड हर्बल शैम्पू बनाना बताऊंगी, जिसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं। और ये शैम्पू आपके हेयर फॉल को रोकेगा और आपके बालों को स्ट्रांग बनाएगा, और साथ ही ये शैम्पू आपके बालों को घना और लंबा करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस शैम्पू से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शैम्पू नेचुरल प्रोडक्ट से बना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं, बट आज मैं आपको एक होममेड हर्बल शैम्पू बनाना बताऊंगी, क्योंकि मार्केट वाले शैम्पू से हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट होने लगता है, या फिर वो हमारे हेयर को सूट नहीं करता। और अब से मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल टिप दूंगी। जैसा कि आपने सुना होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसी तरह हमारा स्पेशल टिप छोटा होगा लेकिन बहुत ही फायदेमंद। So, आज की स्पेशल टिप को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होममेड हर्बल शैम्पू बनाने के लिए हमें चाहिए सूखा आंवला, शिकाकाई और रीठा। अब मैं आपको आंवले के बेनिफिट्स बताऊंगी कि किस तरह ये हमारे बालों पर काम करेगा। ड्राई आंवला हमारे बालों को नेचुरल कंडीशन की तरह काम करता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारे बालों को कोलेजन प्रोटीन देता है। और वैसे भी आंवला को तो सुपर फूड माना गया है। अगर आप रोजाना एक आंवला खाते हैं तो इससे आपके बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। और आंवला हमारे बालों को काला करने में भी बहुत हेल्प, जिससे आपके ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा शिकाकाई। शिकाकाई में विटामिन डी होता है और ये ड्राई स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और बिना एसेंशियल ऑयल को खत्म किए हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाता है। शिकाकाई दो मुए और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें लेना है रीठा। रीठा में से झाग निकलते हैं और ये हमारे बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाते हैं, और ये हमारी डैंड्रफ को आने से भी रोकता है, और साथ ही हमारे स्किन को और हमारे बालों की स्कैल्प को सॉफ्ट बनाता है और उसे ड्राई होने से बचाता है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लोहे की कढ़ाई या फिर कोई स्टील का बर्तन लेना है, और उसमें आंवला, शिकाकाई और रीठा, इन तीनों की समान क्वांटिटी लेनी है और उसको एक गिलास पानी में भिगोकर रखना है। ऐसा आपको रात में करना है, और रात में भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको। और अब हमें इसको गैस पर बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैं इसमें एक गिलास पानी और ऐड करूंगी, जिससे ये अच्छे से पक जाए और ये पानी आधा हो जाएगा। चलिए अब हम इसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे 5 से 6 मिनट तक गैस पर उबालना है और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा, और अब मैं स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मैश करूंगी। अगर आप सूटेबल नहीं है तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैश करने से आंवला, रीठा और शिकाकाई का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाएगा। और अब ये मैंने मैश कर लिया है, और अब हम इसे छानेंगे।
और अब मैं इसे एक खाली बॉटल में ट्रांसफर कर रही हूँ। छानने के बाद मैंने इसे बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है और ये बन गया हमारा होममेड हर्बल शैम्पू। ये शैम्पू आपके बालों को घना और लंबा करेगा और साथ ही मजबूत बनाएगा और डैंड्रफ को भी दूर रखेगा। ये शैम्पू आपके हेयर फॉल को रोकेगा और शैम्पू से आपके बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। और इस होममेड हर्बल शैम्पू को बनाने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाएगा और इसके साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये आपके बालों को मजबूत और लंबा और घना करने में बहुत हेल्प करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, होममेड हर्बल शैम्पू है तो इसका रिजल्ट आपको एक बार में नहीं मिलेगा। वैसे तो कोई भी शैम्पू का रिजल्ट एक बार में नहीं आता, बट इस शैम्पू को आप एटलीस्ट 15 दिन और पॉसिबल हो सके तो आप एक महीने तक इसे यूज करें, उसके बाद आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आप मेरी हेयर फॉल को रोकने के लिए वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है, जिस पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने स्पेशल टिप की तरफ। और आज का स्पेशल टिप मैं आपको हेयर से रिलेटेड ही बताऊंगी। और आज के स्पेशल टिप में ये है कि आपको अपने बालों की लेंथ पर हेयर मिस्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि हेयर मिस्ट आपके बालों की लेंथ को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाएगा और जिससे आपके बाल सुलझे हुए रहेंगे और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी। और अगर आपको होममेड हेयर मिस्ट बनाना है तो इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और आप ऊपर आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। Now thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bell icon को press करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी video की latest notification मिलते रहें।